फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, क्या चीन में तख्ता पलट हो गया है? अभी तो पता नहीं है, हम तो कंफ्यूज हुए हैं। और उसके बाद क्या है? हाँ, क्या आग लगाई है हिजाब ने ईरान में? लगा दिया। चलो। अब देखिए, इसमें पॉइंट यह है कि चीन का जो तख्ता पलट है, अगर वो सत्य है तो अभी तक न्यूज़पेपर्स में वो सत्य नहीं आया। तो किसी ने उसको वो भी तो नहीं किया कि ये सच्ची नहीं है, वो भी नहीं आ रहा ना। कोई बोल रहा है कि ये सच्ची है, ना कोई बोल रहा है ये गलत है। वेस्टर्न मीडिया में तो ये न्यूज जीरो है, क्रेडिबल एक से बढ़कर एक न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, क्रेडिबल न्यूज पेपर है, इनमें कोई कुछ नहीं है उसके बारे में। और ना ही मेरे को लगता है इंडियन न्यूज पेपर में भी शायद नहीं होगा इसके बारे में। अभी तो कोई भी नहीं बोल रहा, मेन न्यूज पेपर्स में नहीं आ रहा, यूट्यूब में शोर मच रहा है। बस तो इसीलिए जिन लोगों को लगता है वाकई ट्रू है, तो मैं उनको ये कहूंगा कि पूरा जर्नलिज्म है वो घास खाने गया है कि जो न्यूज़पेपर्स में नहीं आ रहा। अभी घास खाने गया, जब उनको कंफर्म हो जाएगा तो फिर घास खा के आ जाएंगे। बस यही हमें देखना है कि कब जर्नलिज्म जो है अपना दिखाता है जलवा, अदरवाइज ये फेक है। जलता दिखा। और ईरान में जो हो रहा है वो बहुत इंटेंस सिचुएशन है, वहां पे उन्होंने इंटरनेट भी बंद कर दिया था। ओ अच्छा। तो वहां बहुत ज्यादा हो गई थी मतलब, और वो लोग वहां पे ईरान में सिर्फ कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उत्साह रहा है, सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा है, कोई भी रिजीम जो है वो ब्लेम करती है वेस्ट को। तो जब कुछ हो जाए वेस्ट को ब्लेम, ईरान वाले ब्लेम कर रहे हैं कि वेस्ट ने उन्होंने कैसे कर लिया, वहां के उनके अपने लोग कर रहे हैं तो वेस्ट कैसे, उनके लोग जाके बाल कटवा रहे हैं ये सब कर रहे हैं तो वेस्ट और गाने चला रहे हैं और बाल कटवा रहे हैं, वो कह रहे हैं वेस्टर्न मीडिया जो है वो करवा रहा है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड करवा रहा है और वेस्टर्न मीडिया में ये सब आ रहा है। उन्होंने इंटरनेट भी शट डाउन कर दिया था, अब पता नहीं वापस आया नहीं आया, देखते हैं। वही ना, लोगों के ऊपर अब जुल्म कर करके उनको दबाने की कोशिश करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इसके पहले कि आप बाकी वीडियो देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज नवरात्रों का पहला दिन है, आप सबको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र माता काली का। आपका ध्यान रखे, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दे। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन था और आप सब लोगों ने विशेष अपनी शुभकामनाएं भेजी और जिनको मैं जवाब नहीं दे पाया, क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इतना ज्यादा हो जाता है, मुझे ये नहीं पता लगता क्या करूँ, बिकॉज इतना ज्यादा हो जाता है। बट आप लोगों का प्यार है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों से और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आपको। पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने बड़े प्यार से भेजा, मैं सब यू नो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन योर बर्थडे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान से कुछ लोगों ने बोला कि मेजर हम तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं, वो लानत तो मिली नहीं, तो थोड़ा सा कंधे में जोर लाओ और बेंच वेंच मारो जाके, थोड़ा डंबल वंबल करो, थोड़ा कंधे में जान लाओ और फिर दोबारा लानत भेजो। नोएडा तक तुम्हारी लानत नहीं भेजी, वो बॉर्डर वॉर्डर पर भेजेंगे, थोड़ा दम लगा के लानत भेजा करो जो मेजर को लानत भेज रहे हो, ठीक है? खैर, अब दोस्तों कई सारी चीजें जो आज मैं डिस्कस करूंगा। एक तो पहली चीज ये है कि पिछले दो दिन से ये चल रहा है कि शी जिनपिंग को जेल में डाल दिया और एक वो चाइनीज जनरल है विद एन अनप्रोनाउंसिएबल नेम, हेड बना दिया चाइना का, प्रेसिडेंट बना दिया है। और ये सब देखिए, लोगों ने मुझे बोला कि आप इसके ऊपर कमेंट करिए, कल मैं कर सकता था, मैं कल सवेरे फ्री था मैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, आप लोग कम से कम चाइना के डायलॉग से ये उम्मीद रखते हैं कि हम जो एनालिसिस देंगे वो एक सच्ची खबरों पर आधारित होगा, कम से कम सच्ची, कम से कम सच्ची खबरों पर आधारित होगा। तो मुझे सच्ची पता नहीं चली ना नहीं है कि चाइना में ऐसा कुछ हुआ है क्या। ये बड़ा आसान है कि चटपटी सी गरम कोई खबर आई और फटाफट सवेरे करा, एक घंटे में एडिट करके डाल दिया और उसके ऊपर लाखों व्यूज आ गए, करोड़ों व्यूज आ गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है ये बोलना कि चाइना में ये हो गया, चाइना में अभी तक, देखिये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता। और जब मुझे नहीं पता, जब मुझे खुद कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको इस और कैसे बता दूं कि मुझे कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है मेरे मुंह से कभी गलत बात ना निकली हो, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इंसान हूं, हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो पहले, लेकिन मैं जानबूझ के आपको कोई उल्टी सीधी चीज सुना दूं, क्योंकि यू नो ज्यादा लाइक्स मिले मुझे नहीं लगता है काम करना चाहिए, खराब होती है। जहां तक चाइना की बात है,
मैं कह रही हूँ काश सच एम्बेसी नहीं है। और ये बात मैंने टेलीविजन पे भी बोली थी, घास चल रही है जर्नलिस्ट। एक शो में भी था, मैंने बोला कि हमारा वहां पे एम्बेसी है, वहां पे हमारे डिफेंस अटैचेज हैं, हाँ चाइना में है, वहां पे 150 से ज्यादा मुल्कों की एम्बेसी है चाइना में, हाँ राइट। वो तो है, वो तो मैंने सोचा कोई कह नहीं रहा, खबर बाहर नहीं निकाल पाया कि चाइना में ये हो गया है। कुछ होगा, चाइना वाले रोक के रखते हैं खबर को, ये बात तो तय है। चाइनीज सोशल मीडिया पर बड़ा कंट्रोल नहीं, रॉ क्या करनी, रॉ को पता होगा, ये बात सच है ना, नहीं पता चलता, लेकिन सही नहीं। कोई ये कह दे कि साहब कुछ पता ही नहीं, किसी को पता, कोविड के टाइम भी तो कितना कुछ था जो पता ही नहीं चल रहा था, कि आपने चुपके से जेब में डाल दिया और बाजार चले गए शॉपिंग करने के लिए, जो भी 10 रुपए का, वही तो हम भी कह रहे थे भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। शी जिनपिंग एक देश का राष्ट्रपति है, अगर वो गायब हो जाता है या फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक सड़क पे आ जाते हैं, तो कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई फोटोग्राफ उसकी अपलोड करेगा चाइनीज सोशल मीडिया में, कोई ना कोई वो तो सिर्फ जिनके व्हाट्सएप अलाउड है वहां पे, एम्बेसीज वाले व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस वाले वहां पे हैं, वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो चीज बाहर आएगी, नहीं आती ना, बहुत जरिया है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि टाइनमेन स्क्वायर का जो केस हुआ था, आपने सुना होगा, वो आदमी शॉपिंग के लिए गया था, वो थैले लेके टैंक के सामने खड़ा है, इमेज आप देख सकते हैं, टाइनमेन स्क्वायर तो कोई सोशल मीडिया नहीं था बहुत पहले, उस जमाने में कोई फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उस जमाने में तो मोबाइल फोन तक नहीं थे, उसके बाद तो सब चाइना उस समय ज्यादा रोक टोक करता था, आजकल तो ठीक है क्योंकि सोशल मीडिया पे आप 100% क्लैंप डाउन नहीं कर सकते, चाइना के पास अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाइना ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता, उसके पैरेलल प्लेटफॉर्म है चाइनीज, लेकिन फिर भी बाहर आ जाती है। विगत मुसलमानों के साथ हुआ, क्या वो खबर बाहर आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, जो कोरोना में चाइना ने शहर के शहर बंद कर दिए थे, लोग डिप्रेशन के मारे पागल हो गए थे चाइना में, क्या खबर बाहर आई कि नहीं आई? नहीं आई, नहीं आ रही चाइना थी। में पक्का नहीं पता चल रहा, सारे फैक्ट्री खबर बाहर आई, बिल्कुल आई, खबर अंदर समझ नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है एक्चुअली शी जिनपिंग को जेल में डाल दिया, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुझे नहीं पता, आज की तारीख में जो मुझे इंडिकेशन दिख रहे हैं, क्योंकि हम एनालिस्ट हैं और एनालिस्ट क्या होता है, कुछ इंडिकेशन लेते हैं हम लोग, को डेटा लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर आपके सामने लाते हैं, तो मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि चाइना में कुछ हो गया है। और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि बहती गंगा में हाथ धो दूं और फिर आपको, क्योंकि सब लोग एक्साइट हो गए चाइना में क्या हो गया क्या हो गया, उसमें भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा डाल दूं, सो आई अवॉइडेड बस हम नहीं कर पाए, हमने क्या बोला, हमने तो बोला ट्रू है नहीं है, वो तो अभी तक पता नहीं, बहती गंगा में दुनिया धो रही है, परेशान करने वाली बात की है, हम लोग नहीं करते। वो एक लड़की थी बेचारी 22-23 साल की, उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था, ओ ये आपको किस पता ही है, उसको जेल में ही पकड़ के उसकी इतना कर दिया कि वो मोरालिटी पुलिस है, अभी प्रोटेस्ट ज्यादा हो गए, वो लड़की को मार दिया पुलिस ने जो वहां पे है, तो ये कुछ पुलिस वाले हैं जिनका यही काम है, दबा के रखते हैं। कुछ और अरब कंट्रीज में भी हैं, सऊदी में भी है ऐसी पुलिस जो देखती है कि भाई आपने तुमने हिजाब ठीक से नहीं पहना कि नहीं पहना, और अगर तुम ठीक से नहीं पहना, मोरालिटी पुलिस के साथ जा रही है तो पूछते हैं कि आपका रिश्ता क्या है, अगर उसका सगा भाई नहीं है, उसका बाप नहीं है, उसका पति नहीं है, तो फिर डंडे शंडे पड़ते हैं उनको, कोड़े पड़ते तो हैं, जेल है, जो मोरालिटी पुलिस सऊदी में तो थोड़ा सा कम, काफी अरब कंट्रीज में मैं नहीं जाती, सऊदी में थोड़ा सा कम है इन सब चीजों को, अफगानिस्तान में भी है क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब से आए उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा सांस वास लेने दो लोगों को, इस तो मर जाएंगे सब, लेकिन दुबई एरिया में भी होगा हैं और ये सब, जो भी दुबई का पता नहीं है आजकल, मैं बताना दुबई में होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, अगर आप दुबई में रहते हैं तो बताइए, उन्होंने बना के रखी है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखकर मैं विश्लेषण करता हूँ उस चीज का। बाल कट कर रहे हैं भैया, प्रोटेस्ट हो क्यों वहां पे, बाल काटना मना, अलाउड नहीं है, बाल तो इनके अच्छे कटे गए थे इस टाइम में, और कैसे रिपोर्ट करें, किसी को
तुमको हिजाब ठीक नहीं है तो तुम उसको ये कर दो, ये तो मोरालिटी पुलिस है। क्या मोरालिटी से, औरतों की मोरालिटी आदमियों की नहीं है। तो आपने देखा ये जो उनको भी कर बाल काट रही है ना, ये अपने भाई की कब्र के ऊपर बाल काट रही है। इसका भाई प्रोटेस्ट कर रहा था, विरोध कर रहा था, सड़क पे आया था, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, इसको मार दिया इसके भाई को ना। तो फिर ये लड़की आ गई, उसने अपने बाल काटने की जो रीत है ये प्रोटेस्ट है, ये विरोध है ईरान से। और ईरान वाले लेडीज ये कहती हैं, क्या बकवास है यार, तुम हिजाब पहन लो, ये कर लो, घर से बाहर नहीं निकलो, ये क्या बेवकूफी है। वहां पे तो लेडीज आ गई और इतना तक हो गया है कि मैंने देखा है कि बाल काट के लेडीज ने एक फ्लैग बनाया है, झंडा बनाया है, विद्रोह कर दिया वहां पे। वो कह रहे हैं कि ये जो मौलवी मुल्ला ऊपर बैठे हैं उनको उतारो यहाँ से, भगाओ इनको, मॉडर्नाइजेशन चाहिए। वो ये भी किसी में तो कहां से शुरू हुई थी, इस्लामिक स्टेट है, मगर ये है कि एक लड़की को मार दिया जिसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था, या नहीं पहना था, जो भी केस है। ईरान की बात कहां चली गई वहां से, वो पुरानी एक गजल है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ईरान में यही हो रहा है अभी कि बात निकली और इतनी दूर तलक गई, अब वो लोग कह रहे हैं कि सरकार गिराओ। ईरान में सरकार गिराने वाली बात हो रही है क्योंकि उस लड़की को मार दिया, लोग सड़क पर आ गए। तो क्या यार, तो जिंदा कौन है, नहीं पसंद आया। फिर भी देखिए कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई आपने वीडियो देखा उस लड़की का जो अपने बाल काट रही थी, लोग सड़क पे आ गए और शहरों दर शहरों में पूरे ईरान को इन प्रोटेस्ट्स ने, देखिए बात सिर्फ ये नहीं है ना कि किसी के बाल काट दिए या किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया या किसी को मार दिया या उस लड़की को हिजाब के चक्कर में मार दिया, बात वो नहीं है। बात ये है कि वहां का जो तंत्र है ईरान का, उसने इतनी अति कर दी है, इतनी अति कर दी, लोग परेशान हो गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब जो रिलीजन है उसका सरकार से क्या लेना देना है। खुशहाल किस्म का मुल्क हुआ करता था वेस्ट में। और मैं अभी फ्लाइट में था, मैं बॉम्बे जा रहा था कुछ दिन पहले, मैं एक सज्जन मेरे साथ बैठे हुए थे मिस्टर गुप्ता, वो मुझे बता रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं ईरानी, आप घरों में जाइए तो बिल्कुल दे आर वेरी नाइस मॉडर्न लिबरल पीपल, बड़े अच्छे लोग हैं ईरानी। पर जैसे घर के बाहर आते हैं वो पूरा काले चादर से ढक के मुंह और ये सब बिल्कुल वो पुलिस पकड़ के अंदर कर देती। तब लोगों ने बोल दिया यार बस हो गई यार, अब खत्म करो, कौन रह सकता है। लोग सड़क पे आ गए और ईरान में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लपट की तरह पूरे ईरान को सब, अब ये पहले ईरान जाएगी नोबडी नोस, काफी व्यस्त था, हो सकता है वेस्टर्न था, बाद में पंगा पड़ा था कि वो चीज खत्म हो जाए, हो सकता है कि ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर ईरानियन अथॉरिटीज ने जो उनके जो आयतुल्लाह हैं ऊपर जो बैठे ना, उनके जो रिलीजियस लीडरशिप है जो एक्चुअली ईरान का मुल्क चलाती है, अगर उन लोगों ने नहीं बदला अपना रवैया तो ईरान में दोबारा आग लगेगी। मुझे तो नहीं लगता बदलेगा, दोबारा आग लगेगी, बहुत बुरा हाल होगा ईरान का। क्योंकि हिजाब के लिए किसी को मार देना, हिजाब पहनो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। हिंदुस्तान में अलग चल रहा है, कर्नाटक में वो बोल रहे हैं कि हमें हिजाब पहनना है। ईरान सोच रही थी जो कि क्या सोच है, कौन है ये, यू नो अक्सरियत वहां मुसलमानों की है, जो मेजोरिटी मुस्लिम है वो कह रहे हैं हिजाब नहीं पहनना। करेक्ट, वही तो, ये तो मेन पॉइंट। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो इनके वकील हैं जो हिजाब जो केस चल रहा है वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में हिजाब के लिए बोला है कि हाँ आपको पहनना है। अच्छा ना, इनका मिजाज तो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ईरानियन झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है, ईरानियन ठीक बोल रहा है। क्योंकि अगर कर्नाटका में इस्लाम तो एक ही है, हजरत मोहम्मद तो एक ही है, कुरान तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, और हर जगह कानून मुसलमानों के लिए बराबर है, सेम है, तो अगर तो यहाँ कर्नाटका में या भारत में हिजाब फर्ज है तो ईरान में फर्ज क्यों नहीं है यार, सिंपल सी बात है। फर्ज नहीं है जानबूझ कर दबाने के लिए, एजुकेशन से जैसे हिंदू धर्म है तो वो तो अलग अलग, जैसे अलग अलग जगह अलग अलग देवी देवता है हमारे होते हैं, तो साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, नॉर्थ में अलग है, पर ठीक है, हम लोग कहते हैं कि वो माने जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके ही मतलब अवतार हैं, या यू नो दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिव, जो भी है, मतलब अपने अलग अलग है। लेकिन कुछ चीजें तो पक्की है ना, कुछ चीजें तो पक्की है, मतलब कि अब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो चप्पल जूते पहन के तो नहीं जाएंगे ना, वो मंदिर अमेरिका में हो, वो कहीं पर भी हो, कुछ चीजें तो आपको सेम चीजें हैं।
उसी तरीके से और मजहबों में भी होता है कि यू नो कुछ चीजें होती हैं जिससे हम इज्जत दिखाते हैं या इज्जत देते हैं अपने अपने धर्म को या अपने मजहब को। वही चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ आज, और मैंने एक दो जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ये चक्कर क्या है, वो लोग भी नहीं समझा पाए मुझे ठीक से, कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं दे पाए। या तो ये कर्नाटका में जो हो रहा है पूरा ये पूरा केस ही फ्रॉड है, फ्रॉड है भाई फ्रॉड है, पूरा केस पॉलिटिकल है, जो कि मैं कन्विंस हूं कि फ्रॉड है, मैं तो पहले बोल ये पूरा केस फ्रॉड है जो यहाँ पे हिजाब वाला चल रहा है, पॉलिटिकल गेम, क्योंकि ईरान वाले तो वो तो पक्का मुस्लिम मुल्क है, कट्टर मुस्लिम मुल्क है, वहां पे शरिया लागू है, वहां पे तो पत्थर मार के लोगों को कोड़े पड़ते हैं, वहां पे पत्थर पत्थर मारे जाते हैं लोगों को, और वहां पे हाथ वाथ काटना भी बड़ी नॉर्मल चीज है ईरान में। वो मुल्क हैंग करो वो देश अपने भगवान जियों को कि इंडिया में पैदा हुए थे 98% मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो परसेंटेज के हिसाब से मुझे नहीं पता, बट जहां तक मेरी नॉलेज है 95-97% ने ठीक जगह पैदा किया। वहां की औरतें अपने हिजाब को आग लगा रही हैं, वो अपने बाल काट रही हैं, कह रही क्या बकवास है, हम नहीं मानते इस चीज को, वो कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे पता नहीं कौन किसको चूरन खिला रहा है, आई एम नॉट अवेयर। सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सच है क्या गलत है, आई डोंट नो। लेकिन ईरान एक जीता जाता एग्जांपल है जहां पे लोगों ने बोल दिया बस कि बॉस माफ करो ये हिजाब हिजाब ये हमारे बस का रोग नहीं है। जहाँ मेजोरिटी है उनको नहीं चाहिए, जहाँ माइनॉरिटी है उनको चाहिए। तो फ्रेंड्स अच्छा वीडियो है, दो टॉपिक्स मेन मेन, तो पहले वही चाइना वाला, वही है कन्फ्यूजन है अभी, क्योंकि किसी भी मेन न्यूज़पेपर किसी भी कहीं ऐसी बात नहीं हुई है, और यूएसए में तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही है। पर जैसे मैं कह रही थी, लग तो रहा है कि डाउटफुल हो सकता है, पर कहते हैं ना कई जैसे जो इमोशनल जैसे हम मेरे जैसे, वो तो कहते हैं दिल तो चाहता है कि ऐसा कुछ होए, पर देखते हैं अब आगे जाएंगे। तो देखिए जहां पर मेजॉरिटी है इस्लाम की, वहां पे वो लोग थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं, सब नहीं मगर मेजॉरिटी चाहती है फ्रीडम, और जहां पे माइनॉरिटी है वहां पे ऐसा लगता है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं उन चीजों को, जो बहुत ही अजीब सी बात है। वो कोशिश कर रहे होंगे कि वहां पे सब फैला दें रिलीजन अपना ही, और इतना एक्सट्रीम में करें ताकि लोगों को हम फोर्सफुली बना सकें या कुछ इस टाइप से। देखो जहां पे इतने सालों से चल रहा था, उनको जब एक्सपोजर मिला है ईरान में, तो वो लेडीज को पता चला है कि भैया ये तो गलत है हमारे साथ, हमारे को दबाया जा रहा है। ईरान में पहले वेस्टर्न पूरा हो रहा था, इन्फ्लुएंस आ रहा था, ईरान 1970s के समय वेस्टर्न था, उसके बाद उनकी रिजीम चेंज हुई और जो भी वहां पे हेड्स बने हैं खुमेनी वगैरह, उसके बाद जो है सब चेंज होता चला गया। एक फोटो थी ना कि देखो पुराने में लेडीज जो है स्कर्ट्स और पूरा वो कोट स्कर्ट पहनी रही है, ईरान की थी ना, ईरान की हमने मैंने देखी थी। और उसके बाद ऐसा उल्टा हुआ, वो पूरा अब लोग जो है फिर वही मांग रहे हैं जैसे वो कह रहे थे, किसको फ्रीडम, घर के अंदर सब फ्रीडम है, घर के बाहर जाओ तो कौन चाहेगा भाई। और अगर आप अपने अपनी लेडीज को प्यार करते हो, चाहे वो आपकी बहन हो बेटी हो माँ हो, तो एज मैन आप भी नहीं चाहोगे कि उनकी लाइफ इतनी गंदी हो। तभी भाई ने किया था ना, भाई गया था फाइट के लिए तो उसको ही मार दिया। वो तो कितना मतलब कितनी दादागिरी और कितना मतलब दबा के रखा हुआ है, अब रिवोल्ट हो रहा है, पर देखो क्या होता है। आई होप कि उनकी लाइफ बेटर होए, कौन चाहेगा कि भैया किसी को तुम ऐसे दबा के रखो। बड़ा दुख हुआ सुन के, ये तो मेरे को लग रहा था कि शायद जिस लेडी को पकड़ के जेल में किया था मरा थी उसके वहां पे ये कर रहे हैं, पर जब पता चला कि भाई गया था करने की भैया गलत है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसका, इंटरनेट भी बंद हो गया था, पता नहीं वापस आया नहीं आया, वही तो कमाल ही हो रहा है देख लो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।